अच्छी लगी ना। तो तुमने मुझे यहाँ ये पेंटिंग देखने के लिए बुलाया। रामदेव तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी बोलो, तुम्हारे अलावा यहाँ और भी पेशेंट हैं। सबसे मैं आपकी ड्रामा एक्टिविटीज में भाग लेना चाहता हूँ। ओके, तुम्हारी पिछली फरमाइश पूरी करने के लिए नतीजे देखा, कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हारी अगली फरमाइश पूरी करेगा। ऐसा मत कहिए। पिछली बार तुमने पेट्स मांगे थे, हमें लगा शायद तुम सुधर रहे हो, लेकिन इसमें कितना सच है दीवारें खुद उसका सबूत दे रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लुक एट योर फाइल्स। तुम शायद ये भूल गए हो, लेकिन तुम्हें याद दिलाना मेरी ड्यूटी है कि कुछ साल पहले तुमने कैसे बेकसूर लड़कियों का कत्ल किया था, याद है? और तुम अब ये उम्मीद करते हो कि तुम्हें लोगों के बीच में खुला छोड़ दिया जाए। सॉरी रामदेव, सॉरी, तुम्हारा वो टाइम अभी नहीं आया है। एंड वी हैव टू स्टे विथ अवर प्रीवियस रिपोर्ट। तुम अभी भी डेंजरस हो। डेंजरस? इतना? शायद आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। डेंजरस तो मैं हूं। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की जाएगी। अच्छा, मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं आप मिस्टर बख्तावर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ रामदेव, और वैसे भी तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं पाओगे। जी हाँ, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं इनको अपने साथ लेते जा रहा हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं ना मुकदमा? चलते हैं मिस्टर बख्तावर पटेल, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद फिर आपसे कभी नहीं मिलेंगे। रामदेव बेवकूफी मत करो। रुक जाओ रामदेव। और मैंने भी अपनी पर्सनल डायरी में भी लिख दिया है कि अगर फ्यूचर में मेरा कभी मर्डर हो जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करमचंद से कराई जाए। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप अपने टेलीफोन नंबर्स वगैरह वगैरह दे दीजिएगा। किटी, तुम ये सारी चिट्ठियाँ वगैरह वहाँ ऑफिस में नहीं पढ़ सकती हो? ऑफिस? सर, काश हमारा भी ऑफिस जैसा कोई ऑफिस होता। क्यों, हमारा ऑफिस नहीं है? ऑफिस तो है, लेकिन ऑफिस जैसा नहीं है ना। ऑफिस जैसा? ऑफिस मतलब? सर, मतलब ऑफिस जैसा सर, 9 to 5 में जहाँ लोग ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं, वैसा ऑफिस सर। काम तो ऑफिस सिर्फ चाय पीने के लिए जाते हैं ना सर। सर हमेशा भागते ही तो रहते हैं, यहाँ भागते हैं, वहाँ भागते हैं सर, इसीलिए इतनी सारी चिट्ठियाँ इकट्ठी हुई हैं सर। सर अगर हम करस्पॉन्डेंस सही वक्त से सही ढंग से नहीं करेंगे ना, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा सर। और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कोई आप पर उंगली उठाकर कहे कि ये क्या करमचंद का ऑफिस है, व्हाट रबिश। नहीं ठीक है, अच्छा पढ़ो, चिट्ठी पढ़ो। ओह नो सर, एक और बुरी खबर। सर फीस नहीं भरने की वजह से लाइब्रेरी की मेंबरशिप कैंसिल। कांग्रेचुलेशंस, ये तो अच्छी खबर है। सर अब हर बात मजाक में उड़ा लेते हैं। पिछले महीने डिटेक्टिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मेंबरशिप कैंसिल, इस महीने लाइब्रेरी की मेंबरशिप कैंसिल। सर ठीक है किटी, आई एम सॉरी, लेकिन ये केस सॉल्व करने के बाद हम लोग ये सारे पेंडिंग काम देख लेंगे। यस सर। एक और खत आया है किसी रजनीश मेहरा का, कहते हैं कि वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। सर वो आपको असिस्ट भी करना चाहते हैं। किड़ी तुम जानती हो कि मैं असिस्टेंस नहीं रखता। यस सर, लेकिन मुझे लगता है कि आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी सर। अच्छा तो ठीक है, उसको बुला लो और कल से तुम मत आना। ओके सर। ओह नो सर, आई थिंक इट्स अ वेरी बैड आइडिया।
सर, वैसे भी असिस्टेंट्स करते क्या है, कुछ नहीं, हमेशा पैक 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 चालू रहती है उनकी, और कुछ काम के तो है नहीं, इनफैक्ट काम बिगाड़ देते हैं सर। मैं लिख देती हूँ सर, नो वरी। मिस्टर करमचंद की पॉलिसी है कि वो असिस्टेंट्स नहीं रखते, फिलहाल वो केस के सिलसिले में स्टेट साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में बिजी रहेंगे। सर लिख दूं? हाँ लिख दो। मतलब मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जी इतनी जल्दबाजी में आपने क्यों बुलाया? रामदेव, ओ 10 साल पहले आप इन्हें पकड़वाया था जी, आपने शुक्रिया अदा किया था। बुरी खबर आ गया कल रात, फिर से मदद चाहिए, इसीलिए तो आपको याद किया। फीस मिलेंगी? अगर पुलिस को हमारी मदद की जरूरत है तो हमें भी तो पुलिस की मदद की जरूरत है सर। फीस मिलेंगी तो लाइब्रेरी का मेंबरशिप। किटी, मतलब किटी, अगर तुम बाहर जाना चाहो तो जा सकती हो। नो सर, आई एम ओके। कल रात को लड़की का नाम है सोनाली मिश्रा, उम्र 20 साल, कुछ ही दिन पहले बंबई आई थी जी। इजाजत खान साहब? बिल्कुल। लगता तो सब कुछ वैसे ही है सिवाय उसके टीका बदले का। मजहब, रामदेव ने आज तक जितने भी कत्ल किए हैं उसके बाद इस तरह का कोई मैसेज नहीं छोड़ा। You're right. मैं भी वही सोच रहा था। कत्ल करने का तरीका तो बिल्कुल वैसा ही है खान साहब, जैसा कि रामदेव पहले किया करता था। फिर इस बार ये मैसेज क्यों, टीका बदले का? साहब, इट्स वेरी सिंपल। उसने इस लड़की से बदला चुकाना होगा, इसलिए इसको मार दिया और इसी के खून से ये सब लिख दिया। सर किटी, जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती है। हज़ाब, एनी फिंगरप्रिंट्स? नो, सिर्फ लड़की के। लड़की के रामदेव से कोई दुश्मन? मैसेज पढ़ो। सर लिखा तो इंग्लिश में है लेकिन पढ़ा हिंदी में जाता है। रोमन होगा किटी। क्यों लाश मिल गई? क्यों लाश मिल गई? तो कातिल को पता चल गया कि मैं ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मैं नंबर चेक करवाता हूँ। पता तो कुछ भी नहीं चलेगा हज़ाब। आपने सही कहा था, जिस फोन से वो SMS आया था वो एक प्रीपेड कनेक्शन था और एड्रेस भी फर्जी निकला। ये कहा था, ये बात मैंने पहले किटी को बताई थी कि रामदेव इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसे फोन से फोन करे जिसको हम ट्रेस कर सके। लेकिन अगर मैं रामदेव को जानता हूँ तो एक बात है कि रामदेव फिर से कत्ल जरूर करेगा। He is a devil worshipper. क्या? Oh, Father, what in heaven? Hallowed be thy name. देखिए मिसेस फर्नांडिस, वो कोई डेविल वर्शिपर नहीं था, वो एक आम साधारण टाइप का इंसान था, एक क्रिमिनल। तो फिर वो हॉस्पिटल का वॉल से उड़ी मार के कैसे भाग गया? ये आपसे किसने कहा? न्यूज़ में देखा, वो बोल रहा था कि वो हॉस्पिटल का वॉल से जंप मार के भाग गया। आई एम टेलिंग यू, ही इज अ डेविल वर्शिपर और उसको उसका पावर भी डेविल से ही मिला है। Good Lord Jesus Christ, help us. हमारी मदद करो। जी किटी, मिसेस फर्नांडिस, आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि वो डेविल वर्शिपर नहीं था, वो एक आम आदमी था और हॉस्पिटल से गाड़ी चुरा के भागा है। Really?
लेकिन टीवी में तो बोल रहा, आपको कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ? हम कुछ दिन पहला टीवी में एक ऐसा ही शो देख रहा था, लोग बता रहा था ऐसा क्रिएचर्स होता है, वो लोग में सुपर नेचुरल पावर्स होता है, वो लोग ह्यूमंस का मर्डर करके उनका ब्लड पी लेता है। जी मिसेस फर्नांडिस, अगर ये टीवी न्यूज़ वाले अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पाते तो खैर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि वो डेविल वर्शिपर नहीं था। सर आई थिंक मिसेस फर्नांडिस बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे क्रिएचर्स के बारे में मैंने सुना है, उन्हें वैम्पायर्स कहते हैं। वैम्पायर्स? किटी, ये सब मिसेस फर्नांडिस, आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि वो एक आम आदमी था। अब आप हमें सोनालिका के बारे में कुछ बताइए ताकि हम उसके कातिल को पकड़ने में कामयाब हो सके। वेल, सोनालिका ने कुछ दिन पहला ही मकान किराए पे लिया, नौकरी ढूंढ रहा था। वो चाइल्ड कितना उम्मीदें लेके वो मुंबई में आया था। किस तरह की नौकरी ढूंढ रही थी? सेक्रेटरी का। उसका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, सोनालिका का मुंबई में और कोई नहीं था। हमको तो वो बहुत ही ट्रेडिशनल गर्ल लगता था। ट्रेडिशनल गर्ल? यू आर श्योर वो ह्यूमन है? ओह वाह, हाँ नहीं मिसेस फर्नांडिस, बिल्कुल वो ह्यूमन है, जैसे आप ह्यूमन हैं, किटी की तरह, मेरी तरह, खान साहब की तरह और श्रीवास्तव साहब की तरह। एनीवे, टेक केयर। सारी शिकार पे भी यही दिखाई देता है करमचंद। मुझे लगता है कि यहाँ की सिक्योरिटी ठीक ठाक नहीं है। रामदेव की किसी ने मदद की है और अंदर से मदद की है। क्या मतलब? रामदेव के पास चाकू कहाँ से? करमचंद। ओ, बख्तावर पटेल साहब। जी, क्यों? मुझे यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हो रही? भाई 10 साल पहले हमारी पिछली मुलाकात हुई थी। पिछली मुलाकात से याद आया कि वो भी रामदेव के केस में ही हुई थी। क्यों? जी तो मतलब CID फिर से इस केस पर काम कर रही है। करमचंद, मिसेस पटेल यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। सब आप ही की मेहरबानी है साहब, शायद आपको याद होगा रामदेव की गिरफ्तारी के बाद मुझे CID से सस्पेंड कर दिया गया था। आपने हायर अथॉरिटीज से जो मेरी तारीफों के पुल बांधे थे सब उन्हीं का नतीजा था। आई एम सॉरी बख्तावर पटेल साहब, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, वो मामला जरा ऑफिशियल था। हाँ, मेरे इन्वेस्टिगेशन के तरीके से आप इत्तेफाक नहीं रखते थे। आज भी मैं आपके सिक्योरिटी के तरीके से भी इत्तेफाक नहीं रखता। कैदी भाग चुका है, कमरा खाली है। डॉक्टर रीटा कपूर? आप? जी मैं करमचंद जासूस। मिस्टर करमचंद, सॉरी मैं जरा डिस्टर्बड हूँ। नहीं, जो कुछ आपके साथ कल हुआ अगर वो किसी और के साथ भी होता तो जाहिर है कि उसकी हालत भी ऐसी होती। आई कैन अंडरस्टैंड। बैठिए ना। वैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत तरक्की हुई है, आप डॉक्टर हो गई हैं, डॉक्टर रीटा कपूर। जी साइकाइट्रिस्ट हूँ। तो फिर ये रामदेव के बारे में कुछ पता चला? जी मैंने तो अभी ज्वाइन किया है इस केस में, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द रामदेव को पकड़ लेंगे। दरअसल बात यह है मिस्टर करमचंद कि मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मेरे पीछे आएगा, वो मुझसे बदला लेना चाहता है। आपसे बदला लेना चाहता है? वो आपसे क्यों बदला लेना चाहता है? क्योंकि इन 5 सालों में अपने ट्रीटमेंट के दौरान वो मुझे रोज़ ये कहता था कि बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें मार डालूँगा। क्या इस आदमी से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? प्लीज
आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि रामदेव को पकड़ लें, और आपको डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। दोनों गार्ड हॉस्पिटल में 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और दोनों के रिकॉर्ड्स भी बेदाग हैं, तो फिर रामदेव की मदद किसने की? एक्सक्यूज मी, मिस्टर करमचंद कहाँ मिलेंगे? मिस्टर करमचंद व्हाट? जी वो उन्होंने मुझे, हाँ हाँ आप ही हो वो जिनको सर ने, देखिए सर बहुत बिजी है, उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं, आप मुझसे बात कीजिए। By the way, मैं आधे घंटे से किसका इंतजार कर रही हूँ? आप ही का तो इंतजार कर रही हूँ। लेकिन मिस्टर करमचंद ने एक मुझे... तो लेट आए हो, ऊपर से पैक 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 चालू, कितना टाइम वेस्ट करते हो? हाँ आपको बताएं रामदेव कितना खतरनाक है, इस केस में एक मिनट की देरी भी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन मैडम अभी आप देरी कर रही हैं। What do you mean? मेरा मतलब है चलिए। हाँ ओके फॉलो मी। या एक बात तो है खान साहब, रामदेव ने अभी तक जितने भी कत्ल किए हैं सब लड़कियों को कत्ल किए हैं, और वो सारी की सारी लड़कियां नौकरी पेशा थी, मगर अगर आप गौर करें तो सोनालिका अनएम्प्लॉयड थी, मतलब कातिल के कत्ल करने की बुनियाद बन गई। सर ये पुलिस डिपार्टमेंट के रिसर्चर है मिस्टर, सॉरी मैंने आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा। राहुल, राहुल मल्होत्रा। मुझसे क्या बोल रहे हो, सर से बोलो ना। राहुल आई एम इंस्पेक्टर खान, ये मिस्टर करमचंद, और किटी से तो आप मिल ही चुके हैं। सर आप नहीं जानते ये मेरे लिए कितना बड़ा असाइनमेंट है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। इट्स ओके सर, आपका भी। हाँ तो मिस्टर राहुल आप कितनी जल्दी काम शुरू कर सकते हैं? बस सर एक कंप्यूटर चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन, अभी शुरू हो जाता है सर। हाँ वो ये क्या वो लैपटॉप तो है यहाँ पे किटी का, लेकिन किटी आपको लेने नहीं देगी, इसलिए आप साथ वाले कमरे में चले जाइए, वहाँ पे कंप्यूटर भी है और ये सामने फाइल रखी हुई है केस की, आप ले लीजिए। सोनालिका मिश्रा के बारे में मुझे सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस पर छानना शुरू कर दो। यस सर। और कुछ नहीं सर, मैं ये कहना चाहता था कि आपके साथ काम करके मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है सर। किटी। यस सर। राहुल। या ऑफ कोर्स सर, आप तो कह रहे थे कि रामदेव अपने शिकार के बालों का एक गुच्छा अपने साथ लेकर जाता है। हाँ तो सर, लेकिन रामदेव के पिछले मर्डर्स के मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। एग्जैक्टली अजीब बात यह है कि पिछली बार मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट नहीं किया, और खास साहब गौर करने की बात यह है कि इस बात के बारे में सिर्फ उन लोगों को पता है जो डायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्व थे। ओ आई सी सर, इसीलिए आप विक्टिम्स के बाल चेक करते थे ये इंश्योर करने के लिए कि रामदेव किलर है, राइट सर? सर ईमेल आया, सर दिन का पहला ईमेल है, मैं चेक करूं सर? हाँ चेक करो। मछली जल की रानी है, किसका ईमेल है? सर किसी रामदेव का। रामदेव का। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रात के 12:45 ट्रेन आनी जानी है, जिससे धैर्य की ऊंचाइयों में किसी को बड़ी परेशानी है, सुनामी इराक में युद्ध और मुंबई में पानी पानी है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर करमचंद, इस बार खेल को और रोमांचक बनाए, आपके इंतजार में। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है गजब, ये सुराग है उसके अगले शिकार तक पहुंचने के लिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, किसी ऐसी जगह की बात कर रहा है जहाँ पे बहुत सा पानी है जिसके अंदर मछलियाँ हैं। सर लेकिन ऐसी जगह में मुंबई में कहाँ मिलेगी? और ये कैसा क्लू है? तो हमारे चारों ओर तो पानी पानी है, उसमें मछलियाँ भी हैं। समंदर के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में सोचिए जहाँ पे पानी भी हो और बहुत सी मछलियाँ भी हों। तालाब में अब आगे देखते हैं। रात के 12:45 12:45 का वक्त हो गया कत्ल का वक्त, रात के 12:45 गाड़ी के आने जाने से धैर्य की ऊंचाइयों से किसी को बड़ी परेशानी है, धैर्य की ऊंचाइयों से किसी को बड़ी परेशानी है। खास साहब आपको ऐसा कोई तालाब मालूम है जिसके आसपास रेल की पटरियां जाती हों और ऊंची बिल्डिंग्स हों? वेतरना लेक? नहीं वहाँ पे ऊंची बिल्डिंग नहीं है कोई। खास साहब पवई लेक, हीरानंदनी? नहीं खास साहब वहाँ पे रेल की पटरियां नहीं है। तारापुर एक्वेरियम, चन्नी रोड स्टेशन। धैर्य की ऊंचाइयों में आज किसी को बड़ी परेशानी है।
धैर्य मतलब धीरज, ऊंचाइयां मतलब हाइट्स, और किसी से मतलब है उस इंसान से जिसका कत्ल होने वाला है। ये खास साहब, धीरज हाइट्स नाम की बिल्डिंग कोई चरनी रोड स्टेशन के आसपास है? बिल्कुल है। Let's move. आइए, शायद ऊपर एक क्लास मिले। चलिए। कत्ल बिल्कुल वैसे ही किया गया है खान साहब। वैसे ही बालों का एक गुच्छा शेव किया गया है। क्या मैसेज है जो कातिल हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? सानिया। मिसेस भट्टी। नहीं नहीं, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं जिसका कत्ल हो गया है। सानिया। मिसेस भट्टी। नमस्ते। मैं करमचंद जी, बताइए। बेचारी सानिया, उसने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? अभी अभी तो मुंबई आई थी, बहुत अच्छी लड़की थी। माहौल बहुत ही खराब होता जा रहा है। माँ बाप को अपनी बेटियों को मुंबई जैसे शहर में अकेले भेजना ही नहीं चाहिए। आप तो बता सकती हैं कि वो यहाँ क्यों आई थी? वो एक टेंट सेक्रेटरी थी, नौकरी ढूंढ रही थी। कोई इंटरव्यू वगैरह की कॉल आई उसके पास? इंटरव्यू कॉल आता तो जरूर बताती थी मुझे। मिसेस भट्टी, करमचंद। रामदेव ने फिर किसी लड़की का, और आप कुछ नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। आपकी जगह पर कोई दूसरा आदमी भी होता तो वो भी यही सोचता, क्योंकि मैं आपके पापा को बचा नहीं पाया था और ना ही अब इस लड़की को। लेकिन आप यकीन मानिए मेरी बात का कि हम कातिल को पकड़ लेंगे और हम उसके बहुत करीब हैं। मुझे आपकी काबिलियत पर शक नहीं है, पर सर सब मैंने दोनों लड़कियों की बैकग्राउंड पर अच्छे से रिसर्च कर डाली है, उनके पैदा होने से लेकर उनके मुंबई आने तक। लेकिन सर दोनों की स्टोरीज बहुत डिफरेंट हैं, दोनों में कोई कनेक्शन है ही नहीं। दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है बचपन से लेकर मुंबई तक। खास साहब, आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं जो इन दोनों लड़कियों के बीच में कॉमन हो? दोनों नौकरी ढूंढ रही थी। सर इसका मतलब यह है कि दोनों अनएम्प्लॉयड थी? अनएम्प्लॉयड। राहुल, सारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को चेक करो, देखो अगर इन लड़कियों ने वहाँ पे अपना नाम एनरोल करवाया था। यस सर, मैं ऐसी सभी एजेंसीज के बारे में पता करता हूँ और अगर कुछ भी कॉमन होता तो मैं आपको बताता हूँ। जी सर। आई थिंक आई लीव नाउ। या ओके। और एक लाश मिली। सर मॉर्निंग वॉक करते वक्त किसी को ये लाश मिली है सर? रामदेव। रामदेव। बॉडी 2-3 दिन पुरानी लगती है खान साहब। मतलब जिस दिन वो हॉस्पिटल से भागा था फिर वो सारे खून? आप ये कट्स देख रहे हैं? ये कट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो सोनालिका और सानिया की बॉडी पे थे। मतलब आप कहना चाहते हैं वो? जी हाँ, जिसने उन लड़कियों का कत्ल किया है उसी ने रामदेव का भी कत्ल किया। बस एक छोटा सा फर्क है, वो कट्स जो उन लड़कियों की बॉडी पे थे वो इतने ज़्यादा गहरे नहीं थे, लेकिन यहाँ कट्स कुछ ज़्यादा ही गहरे हैं। काफ़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है।
एक बात तो तय है खान साहब कि रामदेव को लड़कियों का कत्ल जिसने भी किया है उसी इंसान ने रामदेव को जेल से भागने में मदद की। लेकिन जो आदमी रामदेव को जेल से भगा सकता था वो उसे मार भी सकता था। हो सकता है ये अलग अलग केस हो, कातिल कोई और भी हो सकता है। नहीं खान साहब, दो बातें। पहली ये कि रामदेव को जेल से भागते ही लड़कियों का कत्ल शुरू हो जाना ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है और इत्तेफाक सर को बिल्कुल पसंद नहीं है। That's right. Thank you, kitty. दूसरी बात, कातिल को मक्तूल के बाल शेव होने वाली बात कैसे पता चली? तो आपका इशारा किस तरफ है? हाँ साहब, अभी तक जो हमने छानबीन की है उससे दो बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि रामदेव और लड़कियों के कत्ल जिसने भी किए हैं वो इंसान रामदेव के पुराने वाले केस में इन्वॉल्व था। हाँ, वरना उसे बाल शेव करने की बात का कैसे पता होता? जी, और दूसरी बात, वो रामदेव से बेहद नफरत करता था। आपने डेड बॉडी का मुआयना तो किया ही है, जिस बेरहमी से उसका कत्ल किया गया है उसे साफ जाहिर होता है कि वो रामदेव से बेहद नफरत करता था। लेकिन रामदेव का खून करने के बाद तो उसका बदला पूरा हो गया, फिर उसने लड़कियों का खून क्यों किया? दैट इज द पॉइंट। हाँ साहब, ये जो भी है इंसान चाहता है कि मैं इस केस के साथ जुड़ा रहूँ। आप गौर करें कि जब भी कोई कत्ल होता है या कत्ल से पहले सारे मैसेजेस मेरे पास ही आते हैं। या तो ये इंसान मुझे परेशान करना चाहता है या फिर कोई पुरानी दुश्मनी। बख्तावर पटेल आजा, बख्तावर पटेल रामदेव को जेल से भगवा के उसका एनकाउंटर कर दे ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए मासूम लड़कियों का कत्ल करे, इम्पॉसिबल। तो फिर कौन हो सकता है? सब एक और एसएमएस पढ़ो। गहरी प्यास है, खून से बुझेगी, अब एक और। हाय सर, आप? मायसेल्फ जेम्स, डिपार्टमेंट ने मुझे आपके रिसर्च वर्क के लिए भेजा। तो फिर राहुल? राहुल, आई डोंट नो सर, बट दिस इज माय अपॉइंटमेंट लेटर एंड आइडेंटिटी कार्ड। नहीं, आपके डिपार्टमेंट ने आपसे पहले भी किसी को भेजा था क्या? आई डोंट नो सर। लेकिन खान साहब, मेरा ख्याल है वक्त पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप साथ वाले कमरे में चले जाइए और देखिए कि वहाँ जो कंप्यूटर है उसके ऊपर पिछले दो दिन में जो भी काम हुआ है आप उसको डिसाइफर कर सकेंगे क्या? जी सर, कोशिश की जा सकती है। इफ वी आर लकी तो वो फाइल्स हमें मिल सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, हम इंतजार करेंगे। डोंट वरी सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। थैंक यू। अजब, राहुल की कोई खबर? ये राहुल का स्केच किसी रजनीश मेहरा नाम के आदमी से मेल खाता है। रजनीश मेहरा? रजनीश मेहरा सर, कहीं वो तो नहीं सर, वो आपका फैन सर जो आपको असिस्ट करना चाहता था। तो हाँ, मगर उसको यहाँ का पता कैसे पता चला? सर सर, मेरी वजह से, मैंने उसके लेटर का रिप्लाई दिया था ना। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, ये रजनीश मेहरा इंस्पेक्टर श्रावण मेहरा का बेटा है। ओ, इंस्पेक्टर श्रावण मेहरा, ये वही इंस्पेक्टर है जो रामदेव केस में मेरे साथ काम कर रहा था और मेरी कंप्लेंट की वजह से जिसको सस्पेंड कर दिया गया था। सर, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नहीं, बहुत सी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं किटी। जैसे खान साहब, मान लीजिए कि ये रजनीश मेहरा मुझसे नफरत करता, ये भी मान लिया कि अपने बाप की वजह से उसको वो बाल शेव होने वाली बात मालूम है, लेकिन वो लड़कियों का कत्ल क्यों करेगा? एक बात। दूसरी बात, रामदेव जब जेल से भागा तो वो भगाने में उसकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पे उस वक्त था नहीं। राहुल ने किसी की मदद ली होगी उसको भगवाने में, यानी कि राहुल बख्तावर कनेक्शन। सर, ईमेल। नोटों के फव्वारे के पास लाखों लोगों की किस्मत चढ़ती उतरती है, दिवाली की सजावट के पीछे आधी रात के अंधेरे में सुमन की बहन चमचम चमकती है। नोटों के फवारे, फवारा मीन्स फाउंटेन, फाउंटेन नोटों के फवारे लाखों की किस्मत चढ़ती उतरती है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ बैंक लॉटरी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज फाउंटेन के पास में स्टॉक एक्सचेंज। दिवाली की सजावट दिवाली की सजावट खास आप किस किस चीज़ से होती है? मोमबत्ती से, दिए से, मिठाई से सजावट नहीं होती किटी। कंदील से होती है। कंदील, फाउंटेन पे कंदील नाम का एक रेस्टोरेंट है। आधी रात के अंधेरे में, ये तो कत्ल का वक्त हो गया,
सुमन की बहन चमचम चमक। सुमन, सुमन की बहन का मतलब? सुमन की सर, राहुल की फाइल मिल गई है। इसमें उसने तीन लड़कियों के नाम हाईलाइट किए हुए हैं, लारा, डायना और नैन्सी। तीनों लड़कियां शहर के बाहर से आई थी? जी सर। इनके एड्रेसेस हैं हमारे पास? जी सर, लारा बांद्रा में रहती है और डायना फाउंटेन डायना फाउंटेन में रहती है। फाउंटेन में पता क्या है? सर, 1704 कुसुम अपार्टमेंट फाउंटेन। सुमन की बहन कुसुम, सुमन की बहन कुसुम, कुसुम अपार्टमेंट्स फाउंटेन। हाँ साहब, चलिए मेरे साथ। किटी, तुम श्रीवास्तव के साथ जेम्स के पास जाओ और बाकी लड़कियों की डिटेल्स इकट्ठे कर लो। यस सर। किसी का बदला किसी का खून, किसी का बदला किसी का खून। हाँ साहब, कत्ल तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे पहले हुए हैं। ये कातिल हर बार ये मैसेज क्या दे रहा है हमारे लिए? पहले कुछ लिखा था टीका बदले का, और दूसरा था टप टप टपकता खून, और ये तीसरा है किसी का बदला किसी का खून। सॉरी सर, इज वेरी बिजी। वो आपके बेटे की शादी अटेंड नहीं कर सकते। थैंक यू। किटी, टीका बदले का टप टप टपकता खून, किसी का बदला किसी का खून। पहले मैसेज का पहला वर्ड था टीका, और दूसरे का टप टप मतलब ट, और तीसरा किसी का की मतलब। ओ हाय, वेयर वर यू? डरा दिया ना मुझे। टी ट की टी ट टी किटी। हाँ साहब, किटी, किटी का मैसेज है। पढ़िए। गुरु की बलि चढ़ाकर आज बुझेगी मेरी प्यास, लगेगी माथे पर बबूत, तेरा अपना है मेरे पास। किटी का मैसेज है जी, मतलब कातिल, कातिल ने ये मैसेज भेजा किटी के मोबाइल से, मतलब किटी कातिल के पास। खासा फिर से पढ़िए। गुरु की बलि चढ़ाकर आज बुझेगी मेरी प्यास। गुरु की बलि चढ़ाकर, गुरु की बलि चढ़ाकर मतलब रामदेव का कत्ल करने के बाद, मतलब ये कोई रामदेव का चेला है। आगे पढ़िए। आज बुझेगी मेरी प्यास, लगेगी माथे पर भभूत, लगेगी माथे पर भभूत। हाँ साहब, मुझे याद आया जब मैं पहली बार डॉक्टर रीटा कपूर से मिला था और उनसे हाथ मिलाया था मैंने। हाँ। तो मुझे ऐसे ही बबूत की स्मेल आई थी उनके हाथ से। हाँ। मतलब कातिल रीटा कपूर है। आगे, तेरा अपना है मेरे पास। तेरा अपना मतलब किटी है उसके पास। हाँ साहब, किटी की जान खतरे में है। लेट्स मूव। या तुम्हारे चेहरे पर इस तड़प को देखने के लिए मैंने परसों इंतजार किया है करमचंद। आज तुम्हें एहसास होगा अपने किसी को खोने का गम क्या होता है। तुम चाहते तो मेरे पापा को बचा सकते थे, क्या है? लेकिन तुमने ऐसे नहीं किया। तुमने किसी मामूली लड़की को बचाने के लिए मेरे पापा को रामदेव के हाथों में मरने दिया। 5 साल तक रामदेव का इलाज करती रही तुम, लेकिन बजाय इसके कि उसको ठीक कर पाती, तुम खुद उसके चंगुल में आ गई और बन गई सीरियल किलर।
मेरा हॉस्पिटल आने का मकसद यही था कि तुम्हारी मौत रामदेव के हाथों हो। मैंने उसे यहाँ से भागने में मदद की, लेकिन उस कमीने धोखेबाज ने मेरा साथ नहीं दिया। सबसे पहले तुमने रामदेव का कत्ल किया, उसकी वजह तो समझ में आती है क्योंकि तुमने अभी अभी बयान किया, लेकिन मासूम लड़कियों का कत्ल किया। अभी तो और भी लगता है आपने सुना नहीं, तुम मेरे पापा को मर दिया एक मासूम लड़की के वजह से। बदकिस्मती से सच्चाई हमेशा वो नहीं होती है जो सामने दिखाई देती है। मिसाल के तौर पे तुम दुनिया की नजरों में डॉक्टर रीटा कपूर हो, लेकिन वैसे असल में सीरियल किलर हो। डॉक्टर रीटा कपूर तुम्हारे पापा का बनना जरूरी था क्योंकि वो रामदेव के साथ मिलकर मासूम लड़कियों की बलि चढ़ाए थे। झूठ, सच है। अब तुमने सच जाने की कभी कोशिश भी नहीं की। इतने सालों में तुमने कभी मेरे पास आकर ये पूछा नहीं कि वो कौन लड़की थी जिसको मैंने बचाया और तुम्हारे बाप को मर जाने दिया। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इसलिए कि तुम मुझसे बात कर रही हो। तुम 12 साल की एक छोटी सी मासूम सी लड़की है जिसको बजाते खुद ये भी नहीं मालूम था कि उसके पिता खुद अपनी बेटी की बलि चढ़ाना चाहते हैं। सच है, सच है। मैं चाहता था तुम्हें मार सकता था डॉक्टर रीटा कपूर, लेकिन 10 साल पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप से बचाया था और आज मैंने तुम्हें तुमसे बचाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इलाज के साथ तुम ठीक हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.